तो देखिए गाइस, इतनी सारी पब्लिक और सच में बता रहा हूँ गाइस, अभी सुबेरे के 10:30 बज चुके हैं और इतनी धूप में और पब्लिक देखिए गाइस। सो गाइस, ये है भीम सकार नागपुर का। तो अभी मैं कन्वेंशन सेंटर में खड़ा हूँ, यहाँ से मेट्रो जाती है, नीचे पुलिया है और पुलिया के ठीक नीचे मैं अभी कन्वेंशन सेंटर में खड़ा हूँ और पुलिया के ठीक नीचे आप देख सकते हो ये है पब्लिक और ये है भीम सकार। सो ये है गाइस भीम पावर। तो दोस्तों, आज की इस पूरे ब्लॉग में मैं आपको डॉक्टर बाबा अम्बेडकर कन्वेंशन सेंटर घुमाने वाला हूँ और आज भीम सकाळ है, इसके वजह से आज खुला है। तो चलिए मैं आपको पूरा यहाँ का कन्वेंशन सेंटर दिखा रहा हूँ। तो ब्लॉग बहुत मज़ेदार होने वाला है, बिल्कुल एंड तक बने रहिए। तो ये देख सकते हो, अभी मैं खड़ा हूँ ऊपर कन्वेंशन सेंटर के और नीचे देखिए, नीचे का सीन ये है। अभी जस्ट ऊपर से आया, ऊपर दरवाज़ा लगा है, तो चलते हैं नीचे। कोमल हाय कर, दिखाता। सो गाइज, ये आप देख सकते हो ये नीचे का सीन है। सो मैं अभी ऊपर हूँ और ये देखिए नीचे डॉक्टर बाबा अम्बेडकर की प्रतिमा है और आज बहुत सारे लोग आए क्योंकि आज भीम सकाळ है, तो उसके कारण इसे ओपन किया गया है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं। सो नीचे देखिए, चलो मैं आपको बालकनी दिखाता हूँ। बालकनी भी बोलती उसको और हॉल भी है। सो गाइज, ये है बालकनी। सो इसको ओ हॉल भी बोलते जो कन्वेंशन हॉल है। चलिए अंदर से दिखाता हूँ आपको। सो ये देखिए कितना प्यारा और कितना खूबसूरत। सो कोमल यहाँ पे बैठी है। सो इसका हाय करने का ही काम है। सो यहाँ पे जितने भी है ना स्टूडेंट आएंगे, यहाँ पे बैठेंगे और यहाँ पे जो लेक्चर्स है लेक्चर्स दे पाएंगे। सो देख सकते हो गाइस कितनी शांति है और आज भीम सकाळ करके इसको ओपन किया गया है और नीचे कुछ लेडीज़ है वो भी सेल्फियाँ निकाल रही है। सो गाइस, ऐसे देखते हुए बहुत सारा है यहाँ पे, पर चलो मैं आपको जितना हो सके उतना कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। सो यहाँ पर भी ज़्यादा कुछ नहीं है गाइस, मेरे ख्याल से यहाँ पर लिफ्ट दिख रहा है और खाली खाली एरिया है। चलो नीचे चलते हैं। सो गाइस, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि बहुत दिनों के बाद यहाँ पे आने को मिला। सो कोमल भी है, नीचे जाने के बहुत सारे सीढ़ियाँ हैं, जहाँ मन करे वहाँ से जा। सो मस्त घूमो, यहाँ पे आओ, पढ़ाई करो और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस। सो यहाँ पे बैठने के लिए चेयर्स लगाई गई है और यहाँ पे क्या है अभी पता नहीं, जब ओपन होगा तब पता चलेगा। और इस साइड में देखिए, यहाँ पे झाड़ फूल लगाए हैं। सो बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पे फायर का भी है, यानी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो चलिए इस साइड चलते हैं। ये बंद है। सो यहाँ पे भी बैठने की सुविधा रखी गई है और यहाँ पे चेयर्स वेयर्स है, पर यहाँ पे लॉक लगाए नहीं तो अपन अंदर गए रहते। सो यहाँ पे है गेस्ट रूम जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये देखिए, यहाँ पे अभी अंधेरा है गाइस और गेस्ट रूम में इस साइड में क्या है, चलो अंधेरा है। सो यहाँ पे डॉर्मेंट्री और यहाँ पे भी एक गेस्ट रूम है। तो चलिए अभी दूसरी जगह चलते हैं और क्या क्या है देखते हैं यहाँ पे। सो कोमल, तू कितने बार आई है यहाँ पे? पहली बार। सो कोमल पहली बार आई है यहाँ पे, मेरे को खींच तो दे फोटो। अरे आईने जैसे चमक रहे पूरे, है ना? चलो चलो। अरे क्योंकि ये पूरी तरीके से ओपन नहीं हुआ, क्योंकि आज भीम सकाळ था तो इसके लिए इसे ओपन किया गया है। और बट बाकी काफ़ी है ना, अच्छा खासा है ना, लाइटिंग वीटिंग है, बट कुछ कुछ जगह लाइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है। सो जब ये ओपन हो जाएगा पूरी तरीके से, तब यहाँ पर शायद से पूरा चालू मिलेंगे आपको। सो ये भी क्या है, ये बालकनी है जो कि मैंने आपको अंदर से दिखाया हूँ। तो चलिए अभी चलते हैं नीचे, और नीचे क्या है वो भी दिखाता हूँ आपको। सो यहाँ पे ऑडिटोरियम है, सो वो भी मैंने आपको दिखा दिया हूँ। तो चलिए नीचे देखते हैं। और ये एरिया ये है कि यानी अपन जहाँ आए थे, जहाँ से स्टार्ट किया था मैंने, सो वो एरिया में आया हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे भी बहुत अच्छा खासा यानी बैठने के लिए यानी पढ़ाई करने के लिए स्पेस दिया गया है। चलिए नीचे से दिखाता हूँ।
चलनी इधर से दिखाता हूँ तेरे को। देखिए कोमल यहाँ पे बैठी है, रिलैक्स हो रही। कैसा लग रहा? चल अंदर चल, टाइम हो रहा। नहीं नहीं टाइम हो रहा है, चल। अभी मैं मेन जगह आ चुका हूँ और यहाँ से मैं आपको सीन दिखाता हूँ। ये देखिए ऊपर का सीन है और ये अभी फ्रंट एरिया है जहाँ से अपन एंट्री होते, वहाँ से अपन अंदर एंट्री होते और यहाँ पे आते बराबर यहाँ पे डॉक्टर बाबा अम्बेडकर की भव्य प्रतिमा है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए तो काफ़ी प्यारी और बहुत सुंदर यार प्रतिमा यहाँ पे रखी गई है। और यहाँ पे और एक प्रतिमा आने वाली है, ऊपर गौतम बुद्ध का है वो सिंबल है। और यहाँ पे और एक प्रतिमा आने वाली है जो कि गौतम बुद्ध की है। और यहाँ पे भीम सकाड़े करके यहाँ पे आप देख सकते हो, अच्छा खासा क्राउड आपको देखने को मिल रहा है। सो चलिए गाइस, अपन ने पूरा एरिया देख लिया है और आज का जो ब्लॉग है गाइस मैं इधर ही ख़त्म करता हूँ और मैं आपको बाहर का एरिया दिखाता हूँ यहाँ से क्या। तो वहाँ पे भी स्क्रीन है। तो चलिए गाइस अपन निकलते हैं बाहर।